दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का स्पेशल एपिसोड, अंबेडकर नामा इफेक्ट। 30 तारीख को हमने एक मुद्दा उठाया था, बुलंदशहर में लोधी समाज की एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। उसमें स्थानीय कई नेता और सवर्ण समाज के कुछ लड़के शामिल थे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। महेंद्र लोधी, ओबीसी महेंद्र लोधी, मध्य प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था। और मुझे जहां तक ध्यान है कि पहली बार अंबेडकर नामा पे ही इस मुद्दा को उठाया गया था। और उसके बाद महेंद्र लोधी सीधा अपनी टीम के साथ, ओबीसी महासभा के लोग, सीधा शहर पहुंचे हैं और वहां क्या क्या घटनाक्रम हुआ है आज मैंने देखा कि कई प्रिंट में छापा है लेख, कई यूट्यूब चैनल है और कई जगह मैंने देखा है कि मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोधी समाज के बीच जाके महेंद्र लोधी ने बहुत ही एकदम साइंटिफिक तरीके से बातें रखी हैं और समाज, ये बात उन्होंने कही है कि लोधी समाज जो कि बीजेपी को वोट देता है, उसी राज में लोधी समाज की बच्ची का सामूहिक बलात्कार और मर्डर होता है, हत्या होती है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैंने महेंद्र जी से पूछा है कि आप लोग गए हैं बुलंदशहर में, क्या क्या घटना का अपडेट क्या है ये बताइए। इसलिए महेंद्र सिंह लोधी को, ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, अब राजपूत से ओबीसी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या हुआ उस बच्ची के की हत्या और बलात्कार के बाद, पुलिस हरकत में आई कि नहीं, नेता हरकत में आए कि नहीं, ये सब अपडेट आपको देना जरूरी है। इसलिए महेंद्र जी को मैंने बुलाया है फिर अंबेडकर नामा पे। महेंद्र, स्वागत है अंबेडकर नामा में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अंबेडकर नामा का। जैसा कि आपने बताया भी है कि सर्वप्रथम जो पिंकी लोधी, जिसका बलात्कार गैंगरेप किया गया, हत्या की गई, और उसकी आवाज जो है वो सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से ही उठाई गई थी जी। और ये जो मेरा जो वहाँ जो हुआ है, और पहला इंटरव्यू अंबेडकर नामा पुनः ले रहा है क्योंकि मैंने किसी को वाइट या कुछ दी नहीं है, काफी लोग फोन आए हैं क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं जी। तो वहाँ क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं यहाँ से गया और वहां मैं पहुंचा, उस गांव में 1100 लोधी समाज रहता है और लगभग बताया गया है कि 300 वहां शर्मा रहते हैं, ब्राह्मण लोग। तो वहां का प्रधान है महेंद्र शर्मा, वो प्रधान मतलब वहां प्रधान बोलते हैं सरपंच को। अच्छा, हाँ। तो उसके ट्यूबवेल पर जो जहां का जन्म है उस बच्ची का, वहां से दो लड़के लड़की को उठा के लेके आते हैं। ओके। और ट्यूबवेल जो वहां का प्रधान है, उसके ट्यूबवेल की चाबी, मतलब वहां जो सामान रखने के लिए या उसको बसने के लिए जो खटिया होती है, जो मकान बना रहता है, उसकी चाबी उन लड़कों को दी जाती है। और दो लड़के जो और भी रहते हैं, चार लड़के मिलके उस लड़की का गैंगरेप करते हैं और उसमें महेंद्र शर्मा नाम का जो ये प्रधान है वो इन्वॉल्व है। अब वहां जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि जब गोली मारी गई है और उसका हाथ काटा गया है, ये गला और उसके शरीर पे ये लॉन्च, क्योंकि बलात्कार जबरदस्ती कर रहे होंगे लड़के, तो उसके शरीर पे भयानक मतलब वो कष्ट दिया गया है, जो वो सब सारी चीजें रही। मतलब तो क्या हुआ कि वो लड़की, क्योंकि बलात्कार हुआ, इसके बाद प्रशासन को, जो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ वहां के हिसाब से कहना उनका है कि हमारे घर परिवार को किसी को पता नहीं चला कि लड़की साथ बलात्कार हुआ, मर्डर हो गया, क्या हो गया, ये नहीं पता। सीधा पुलिस आती है कि पिंकी लोधी वहां पे मरी पड़ी है, पुलिस बोल देती है, पर किसी परिवार को ना ले जाके उस लड़की को लोड करते हैं, वो ले जाते हैं। और जो उनकी नानी रहती है, नानी बोलती है कि हमें कम से कम बताओ, तो बोलते हैं, बताते हैं, इसके बाद वो रख लेते हैं और ले जाते हैं, मतलब कोई परिवार का व्यक्ति नहीं रहता है। और बाद में जब ये पहुंचते हैं पीछे पीछे, तो ये उनको मान लिया जाता है कि पोस्टमार्टम में ये शामिल है, जबकि ये लोग शामिल नहीं थे। और जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, परिवार बहुत ज्यादा मतलब चिंतित रहता है, सारी चीजें, मर्डर मतलब आप समझ सकते हो कि मेरे कितना बड़ा दहशत का मामला है, उसमें सीधा इन्वॉल्व होता है वहां का अनिल शर्मा, जो बीजेपी से राज्यमंत्री, वहीं से विधायक है। और ये शर्मा लोगों ने मिलके
नौ दिन तक आपको भी मालूम है, 9 दिन तक कोई व्यक्ति ना वहां गया है ना किसी ने आवाज उठाई। वहां की सीओ शर्मा है, वहां का राज्य मंत्री शर्मा है, वहां का सारे लोग शर्मा थे, बलात्कारी भी शर्मा। अब आप समझ सकते हो कि ये क्यों ऐसा चल रहा था। तो हमने वहां गए, बात करी, जब हमने वहां खुल के बोला कि ऐसा नहीं है, संविधान है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, और हमने वहां पे बोला कि ये लोग क्यों नहीं आए हैं, समाज के लोग क्यों नहीं आए हैं, वोटर जो लोधी वोटर है, वो जो बीजेपी का बंधुआ वोटर है, ऐसा तो नहीं कि इस मैटर को दबाने के लिए मीडिया को भी बड़े रूप में पैसा दिया गया हो ताकि ये जो वोटर बंधुआ वोटर है ये कहीं ना कहीं और जगह ट्रांसफर ना हो, इसलिए शायद इस खेल को खेला गया, 9 दिन तक दबाया गया इस केस को। तब जाके वहां की जनता बोलना शुरू की, वो फिर बोली, उन्होंने बोला है, मैं वीडियो भेजूंगा आपको, कि साहब प्रशासन जो है वो हमें दबाया है, जबरदस्ती हमारे साथ वो पोस्टमार्टम में साइन करवाए, और हमने बोला था कि आप हमें सुबह दीजिए, अभी मत दीजिए लाश, तो उनने लाश दे दी बच्ची की, और रात में विदाउट ड्रेस में पुलिस जाके, और चारों दो रास्ते हैं वहां पे गांव में घुसने की, दोनों रास्तों पे पुलिस खड़ी करके और दबाव बनाया गया कि लड़की को अभी जलाओ, क्योंकि लड़की अगर नहीं जलाई जाती तो वो जो साक्ष्य उसके शरीर पे थे वो चारों लड़कों के, और हो सकता है प्रधान ने भी किया हो रेप, तो वो सारे साक्ष्य सामने ना आ जाए, इसलिए जो प्रेशर बनाया गया प्रशासन पे, और जो डीआईजी, अब मैं आपको ये बोलना चाहूं, डीआईजी किस बेस पे कह रहा है कि लड़की का प्रेम प्रसंग था, ये तो मतलब कहीं ना कहीं सीख के आ रहा व्यक्ति यार, जब आपने आप जांच नहीं करी है, आप केस हमारे जब हम गए हैं तब आपने लगाए हैं, इसके पहले आपने रिपोर्ट तक नहीं दी उनको, और 302 का सिर्फ केस दायर किया था, जबकि उसमें जो षड्यंत्रकारी महेंद्र शर्मा है 120B वो लगना था, और इसके बाद 363 लगना था, इसके बाद 76 भी लगना था तुरंत, बाद में साबित नहीं होता वो अलग बात है, गैंगरेप हुआ है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक भी धारा नहीं लगाई गई थी सर, और उसकी विवेचना में कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ गोली मारी है और लड़के ने गोली मार दी और खेल खत्म हो गया। इसके पहले ये नहीं बताया कि लड़की को कितना लोचा गया, लड़की को कितने लोगों ने बलात्कार किया, लड़की को कहां से उठाया, किसने जानकारी दी, लड़की का मर्डर हो गया है, लड़की का रेप हो गया, ये कोई जानकारी नहीं दे रहा, और ना ही आज पुलिस बता रही है, इसलिए ये पक्का है कि प्रधान ने बोला है मंत्री को, अनिल शर्मा को, जो कि राज्य मंत्री है बीजेपी का, और उसने पुलिस को कंट्रोल किया है, तब जाके 9 दिन ये केस दबा रहा है। आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने आपसे बोला था सर कि मुझे बुलंदशहर जाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे खुद के वहां पे कम से कम 30-32 विधायक होने के बाद भी, और वहां पे जो कल्याण सिंह का परिवार है, जो बीजेपी का बंधुआ गुलाम जो है, वो लोग इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ समाज को दबाने का काम करते हैं, और जो संगठन की बात करूंगा, चाहे लोधी समाज के हो चाहे अन्य संगठन, ना बजरंग दल गया, ना विश्व हिंदू परिषद गया, ना आरएसएस गया, ना आरएसएस के से जुड़े हुए संगठन गए, एक भी संगठन ने इसकी आवाज नहीं उठाई। जब ओबीसी महासभा गई वहां पे और वहां का वार्ताव जो देखा पुलिस प्रशासन का, तो पुलिस ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मामला ही कुछ नहीं है, बोल रही है वो हमने लिख लिया अपने हिसाब से, तुम उसमें मत पढ़ो, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो महेंद्र सिंह लोधी आया है ओबीसी महासभा का। फिर जाके मैंने ललकारा है कि तुम 2 कोड़ी के लोग हो, जो हमारे टैक्स से जो तुम पलते हो, और जब ये रेप हो गया इसके बाद भी तुम संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके हिसाब से भी अगर आप रिपोर्ट फाइल नहीं कर सकते हैं तो तुम्हारा मतलब नहीं है, वो सारी चीजें मैंने बोली वहां पे, और जो माहौल दबा हुआ था वो कहीं ना कहीं मैं बाबा साहेब का संविधान जो पढ़ता हूँ उसके माध्यम से, और मैंने लोगों को बोला, सारी चीजें बोली, तब जाके लोग वहां बोलना शुरू किए, और सत्य पता ये चला कि लेडीज महिला भी गई, उसने भी डंडे मारे, वो जो उनकी नानी थी उसको लात मारी, डंडा मारा गया, ये प्रशासन ने ये बर्बरता कही है। हमने वहां से उसी जगह से रैली निकाली, और मुर्दाबाद के अनिल मिश्रा मुर्दाबाद और पिंकी लोधी को न्याय मिलना चाहिए, हमने सारी चीजें बोली हैं, और वो तब जाके दहशत खत्म हुई है। महेंद्र, एक बात मैं
इतिहास का छात्र भी हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तब मैं और पॉइंट्स पे आऊंगा कि हाथरस हुआ, ये दूसरा हाथरस ही है एक तरीके से, दलित महिलाओं बच्चियों का रेप होता है, समाज चुप रहता है, उसके जाति वाले तो चुप रहते हैं लेकिन हमारे बहुजन समाज के अन्य जातियां भी लोग अमूमन चुप हो जाते हैं। इस चुप्पी की क्या यह कीमत समझी जाए, अब जो है वो मामला बढ़ते बढ़ते लोध राजपूत वहां तक पहुंच आया है और पुलिस प्रशासन चुप है, जैसे कि जैसे जैसे एक दलित बच्ची का होता है उसी तरीके से इसको भी समझा जा रहा है, और इसलिए समाज क्या है समझ रहा है कि हम सब एक है और एक ही तरह, मतलब ये बहुत ही हीनियस क्राइम है ना, जैसे जहां पे वहां पे हुआ हाथरस में उससे कम नहीं है, उतना ही बराबर मसला है, लेकिन जो लोध राजपूत राजपूत कहते हैं, अब उसी तरीके से ये शासन प्रशासन में बैठे लोग इस समाज के लोगों को वैसे ही समझ रहे हैं, ये तो मैं जानता हूं इतिहास के छात्र होने के नाते, लेकिन समाज में ये जागृति आ रही है कि नहीं आ रही, ये समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये जानना जरूरी है। खासकर उत्तर प्रदेश के लोधी समाज की बात की जाए जी, तो ये मंडल कमीशन के बाद जिस तरीके से ये राम मंदिर का जो आ गया है उसके बाद ये टोटल गुलाम हो गया है मनुवादी सिस्टम का, ये इनकी लड़कियों के रेप हो जाए, इनके घर परिवार में कोई उठा ले जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मंदिर तो बन रहा है, ठीक है ना, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सभी का माध्यम और बाबा साहेब का जो सपना था उसके हिसाब से, और मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता हूँ बाबा साहेब की, काशीराम जी साहब की, तो जो मैंने प्रयास किए हैं जिसके माध्यम से लोग वहां पे जुड़े हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि नहीं उससे अब निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, और इस मामले के बाद तो जरूर उत्तर प्रदेश का लोधी समाज जो गुलामी करता था, मतलब इसलिए गुलामी करता था कि उसको मालूम नहीं था कि संविधान क्या है, अम्बेडकर साहब ने क्या रेप हो जाए तो क्या केस होना चाहिए, अपमान कर दे तो क्या केस होना चाहिए, ये सारी चीजें इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको सिर्फ ये मालूम था कि हमको घंटा बजाना है और हमारे रेप हो जाए क्या हो जाए, एक लड़की थोड़ी है दूसरी लड़की थोड़ी है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है ज्यादा, भावनात्मक जो होता है ना कि राम मंदिर तो बन रहा है, भगवान आशीर्वाद दे देंगे तो रेप का जो मामला है वो भी शांत हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि अब हमारा समाज जागेगा, और क्योंकि मैं जब गया और अब जो जिस तरीके से मुझे देखा जा रहा है अभी कि उनकी मांग है कि नहीं महेंद्र सिंह लोधी जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा, क्योंकि वहां की स्थिति मैं बता देता हूँ लोधी समाज की, हमारे जंगल में रहने वाले हमारा जो मूल निवासी आदिवासी समाज है उससे भी गई गुजरी स्थिति है वहां पे, उत्तर प्रदेश में जहाँ जंगल नहीं वहां जंगलों में रहने वाले जैसे लोगों से भी गई गुजरी स्थिति है, वो तो हमारे आदिवासी समाज कम से कम बाबा साहब को पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा को पढ़ते हैं, तो उनको तो पता है कि हमारे साथ कुछ होगा तो कैसे लड़ना है, पर इसको कुछ भी पता नहीं वहां पे, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो स्थिति जो है अब आपको बताना, जो कल्याण सिंह उमा भारती कल्याण सिंह का परिवार जो है वो तो बिल्कुल बंधुआ है, बिल्कुल उसके तो घर के भी लोग अगर उठा ले जाएंगे ना बीजेपी वाले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा अभी तक नहीं पहुंचा, आज प्रियंका जी भी पहुंच गई, जो अखिलेश जी की प्रेस वार्ता हो गई जयंत चौधरी जी की इसी मैटर को लेके। चलिए इस बात के लिए आपको कम से कम मैं शुक्रिया कहूंगा, आपने मुद्दा उठाया और प्रियंका गांधी पहुंची, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में बोले, तो ये आपका आपने जो संघर्ष किया जो आपने बातें कही उसका ये फल है, इसके लिए कम से कम आपको मैं बधाई दे दूं कि आप इतना लड़ते हैं, जरूरी। धन्यवाद जी सर। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुझे किसी ने नहीं बनाया है और ना ही मैं किसी के लिए काम करता हूँ, मैं अपने समाज के लिए काम करता हूँ, मुझे बनाया है अम्बेडकरवाद ने, अम्बेडकरवाद मतलब समाजवाद, समाजवाद मतलब हम सौहार्द से रहें, एक होके रहें, एकता में रहें, शिक्षित हों, वो जो सपना है उनका उसके लिए मैं काम करता हूँ। और उसी कड़ी में जब मुझे दर्द हुआ कि 9 दिन बाद एक पिंकी लोधी जिसके साथ गैंगरेप होता है और वहीं उसी के पास हाथरस है, कोई ज्यादा दूर नहीं हाथरस 100 किलोमीटर है, तो समस्या ये है कि यही लोधी समाज उस समय नहीं निकला जब पिंकी जब हाथरस में हुआ था, आज जो और वही समाज निकल के बाहर आया है लड़ने के लिए, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे जितनी भी सोशल मीडिया है, आज बहुजन जो वाकई ऐसी समाज है
उन्होंने इस मुद्दे को बनाया, उठाया, धीरे धीरे करके वो बड़ा बना और आज हम जैसे लोग जाके, और ये पूरा का पूरा श्रेय बहुजन समाज के उन योद्धाओं को जाता है जो चाहे यूट्यूब के माध्यम से उठा रहे हों, चाहे जर्नलिस्ट के माध्यम से उठा रहे हों, और पिंकी को न्याय मिलेगा तो हम सभी को हमारा जो अंतर जो हम समझते हैं अंदर, तो हमें वो शांति मिलेगी कि नहीं हमने कुछ किया था तो ये हुआ है। अब मैं उमा भारती की बात करूंगा, आपके उस समय उस दिन भी कह रहे थे कि महिला है उनको आना चाहिए, आप बताइए कि क्या उनकी पूजा पाठ जो उनने की है और जो कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है, तो क्या वो एक फूंक मार दे तो ये काम वो दोबारा से बेटी लेके आ जाए? तो कहने का मतलब ये है कि जो उनका रास्ता है आज भी मैं कह रहा हूं वो गलत है, अभी भी अपने समाज के प्रति उनको जाना चाहिए और जितने भी समाज के लोग हैं नेतागिरी कर रहे हैं उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि धर्म अलग बात है, इंसानियत अलग बात है, और इंसानियत के बाद भी उमा भारती नहीं पहुंच पा रहे ये बहुत गलत बात है। उमा भारती के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे हम? उमा भारती तो हम अब उनको नेता नहीं समझते हैं, उस दिन तक तो समझते रहे हैं, अब हमको समझ में आ गया है कि ये नेता नहीं है, आरएसएस के द्वारा प्रायोजित चीजों को चलाने का काम करती हैं, इसलिए अब समाज लगभग मुझे लगता है उनको एक नेता नहीं मानेगी, और नेता हमें भी नहीं बनना है, लेकिन उनको नेता बनाएंगे हम जो हमारी बहु बेटियों की और आने वाले समय में संविधान की रक्षा करेंगे और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। ये तो विचारधाराएं में ही हमारे आते हैं, अगर बेटी की इज्जत लुट जाए और आप उस पर एक कमेंट ना कर पाओ, एक ट्वीट ना कर पाओ, तो मैं समझता हूं ये बीजेपी के बधुआ लोग हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं समाज का। महेंद्र, खैर अंबेडकर नामा आपकी मुहिम में, न्याय की लड़ाई में अंबेडकर नामा, आप जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक बजे तक क्लास पढ़ाता हूं, उसके बाद अपने मोबाइल फोन से ढूंढता रहता हूं कहां, मैं अपने हिसाब से अपनी कोशिश करता हूं, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, आई एम एकेडमिशियन, और मैं समझने की कोशिश करता हूं, बात करने की कोशिश करता हूं, जितना वश में उतना कोशिश करता हूं कि मुद्दे को उठाया जाए। अब ये बताइए सर, आवाज जो हमारी है ना वो तो अंबेडकर नामा से गई है पूरे देश में, और कई लोग मुझे बोलते हैं बहन जी मैं प्रोफेसर साहब के साहब आपको सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, और अभी एक लड़का जो वहीं पे है बुलंदशहर में वो आपको फॉलो करता है, देखता है, वो कह रहा था कि सर मुझे बोलिए सर कि कम से कम मैं वहाँ से जो भी हो वहाँ पे तो रिपोर्ट कर सकूँ आपको, वही है लड़का, वो कृष्णा राष्ट्रवादी लिखता है, सीधा संपर्क करूंगा, मेरा नंबर दीजिए। हाँ, वही डेली जा रहा है, उसका कहना है कि प्रोफेसर साहब को हमारा नंबर दे दीजिए सर, अगर वो बात कर ले हमसे तो हम डायरेक्ट डेली एक न्यूज वहाँ की दे सकते हैं, उनके माता पिता की बात सारी सब कुछ आपको वहीं से करवा सकते हैं। चलिए अब ये बताइए कि अब आते हैं पॉइंट और पे कि पुलिस प्रशासन अभी क्या, जैसे आपने कहा कि प्रियंका गांधी गई थी वहां पर, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस मसले पर, और पुलिस अभी क्या केस में किस लेवल पे पहुंचा, अपडेट क्या है उसमें, ये बताइए। केस अभी कहीं नहीं है, क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं आपको, समझिए बात, देखिए क्या होता है ना, आप धारा लगा रहे हो ठीक है, आपने सब लगा दिया ठीक है, पर कौन था वो षड्यंत्रकारी जो इतनी बड़ी घटना को इस तरह दबाने का प्रयास किया है कि आज 2 से 3 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 3 तारीख में जाके केस मतलब 3 तारीख में जाके कुछ चीजें एफआईआर होती हैं, तो ये इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा सर, इतना भी नहीं होता है कि मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाए और पुलिस वाले कुछ ना करें, पुलिस तो करती है अपना काम, लेकिन इनके पीछे कौन थे वो लोग, तो मुझे जो पता है और मुझे पूर्ण विश्वास है 100% हम अंबेडकरवादी जो लोग होते हैं ना वो इतना दिमाग तो रखते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, इसके पीछे पूरे के पूरे बीजेपी के लोग हैं, और मुख्य आरोपी जो है उसमें अब मुख्य आरोपी है बलात्कारी गैंगरेप वाले नहीं है, जो वो तो है ही बड़े, लेकिन उनसे बड़ा जो गैंगरेपी है वो है अनिल शर्मा राज्य मंत्री, क्यों, क्योंकि उसकी बेटी की इज्जत नहीं लुटी थी, एक लोधी एक शूद्र लड़की की इज्जत लुटी थी, इसलिए उस व्यक्ति ने इस प्रकार का काम किया है। नहीं नहीं, उसको गिरफ्तार, ये बताइए सीधा पॉइंट पे आइए, गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग नामजद हैं, पुलिस क्या एक्शन ली है, मामला कहाँ पे है, ये बताइए, पॉलिटिकल सब छोड़िए अभी, उसमें सीधा गिरफ्तारी, दो गिरफ्तारी हुई है, हाँ
अभी प्रधान को गिरफ्तार नहीं किया है और उसमें दो लड़के और हैं, वो भी गिरफ्तार नहीं हुए, अभी भी वो घूम रहे हैं। कौन है वो दोनों लड़के, नामजद हैं वो? एक शिवम शर्मा है, एक सौरभ शर्मा है, और जो छूटे हुए हैं अभी एक महेंद्र शर्मा है, ये जो अभी पकड़ा नहीं गया है, और एक और है कोई शर्मा लड़का है, वो भी छूटा हुआ है, ये सभी लोग हैं उसमें। तो इसका मतलब है कि अभी आपको बार बार बुलंदशहर जाना पड़ेगा? बुलंदशहर जाना ही पड़ेगा, हम तो जाएंगे जब तक कि इस मंत्री को सजा नहीं होती है। मैं आपको पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, ये अगर समाज के रक्षक भक्षक बन जाएंगे, मंत्री बन के समाज की रक्षा करना चाहिए सबकी, लेकिन वो खुद भक्षक बन गए समाज के, तो ऐसे लोगों को तो दिखाने आना जाना पड़ेगा। हम लोग पुलिस क्या कर रही है, नंबर एक, नंबर दो, ओबीसी कमीशन को आपने भेजा, ह्यूमन राइट कमीशन को भेजा, और इसके खिलाफ पुलिस के खिलाफ भी शिकायत होनी चाहिए ना ह्यूमन राइट कमीशन में, ओबीसी कमीशन में। अगर रिएक्शन नहीं ले रहा है तो संविधान का कहां पालन हो रहा है? मेरी जो वरुण ठाकुर जो है, वरुण लोधी जो है, सुप्रीम कोर्ट में उनसे बात हुई है इस संबंध में, आपने जो बोला है उसके लिए मैंने अभी अभी लिखा भी है और वहां मैं भेज रहा हूँ उनको, इसके बाद इस पे, क्योंकि इससे जो अभी तक की यही कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है, इसके आगे अभी नहीं हुआ, कहीं कोई कमीशन में नहीं भेजा गया अभी कुछ भी मामला। चलिए एनीवेज, खैर ये वीडियो उमा भारती को भी भेज दीजिएगा, कल्याण सिंह के घर में भी भेज दीजिएगा, अपने सारे लोधी समाज में भेजिएगा, हमारे बहुजन समाज के और लोग तो देखते ही है इस चैनल को। शुक्रिया महेंद्र, और आप इस मुद्दे पर देखिए, अंबेडकर नामा की एक मुहिम है, जितने कम संसाधन है न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, भोजन माता सुनीता देवी की लड़ाई हमने लड़ी थी और लड़ाई हमने जीती बहुत कम समय, लिमिटेड संसाधन में जितना कुछ भी है, अंबेडकर नामा इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। वो बच्ची हमारे घर की बच्ची थी, कोई भी बच्ची, वो हमारे घर की बच्चियां, तो ऐसे ऐसे जो है शैतान लोगों को जो इस तरह के, एक बात और बोलो सर, वो लड़का बलात्कार करने के बाद गोली मार के वहां बैठा था उसके घर पे जाके, कि क्या उखाड़ सकते हो, मैंने मार दिया। अच्छा, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या उखाड़, मतलब पुलिस पहुंच गई वहां, पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, उसको पता नहीं चला, घर पे आके बोला है कि मैंने गोली मारी है, क्या उखाड़ लोगे, कर लेना जो कर लेना। आप बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं सारी बातें, बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, और मैं आपको कल कृष्ण राष्ट्रवादी जो लड़का है डायरेक्ट आपको उनका नंबर दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे और आप सीधा आप ये बात कर लेना, वो सारी बातें वो परिवार को बता रहे हैं वो लोग। ठीक है ठीक है, चलिए महेंद्र अपडेट करते रहिए, और मेरा नंबर उनको दीजिए और उनका नंबर मुझे दीजिए, इस केस में हमारी नजर बनी रहेगी, बड़े तथा कथित बड़े मीडिया दिखाए न दिखाए, हम अपना कर्तव्य जरूर निभाते रहेंगे, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों मैं इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करते रहिए, जो घटना लोधी समाज के बच्ची के साथ हुई थी, जो पिछले साल हाथरस में हुई थी, लगातार कहीं भी किसी घर में घट सकती है, इसलिए कहते हैं ना सतर्कता गई दुर्घटना हुई, सतर्क रहिए, जमात को बचाने की कोशिश कीजिए, उसमें आप ही बचे रहेंगे। शुक्रिया कि वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा, फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, शुक्रिया, थैंक यू।